Son, have you played chess yet? How much money are there? What does the graph say? Stocks are going up. What? Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 19 अगस्त 2019 मंडे है, सुबह के 8:41 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। तो सबसे पहले लास्ट फ्राइडे का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 16 अगस्त 2019, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,092 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,000। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट 10 मिनट, ये 10 मिनट्स का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। फर्स्ट 10 मिनट्स में ही इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक भी किया और हमारा फर्स्ट टारगेट 10,980 और सेकेंड टारगेट 10,957 ये यहाँ पर दोनों भी अचीव हुए। और इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके फिर से एक बार बाउंस बैक दिखाया। तो फ्राइडे के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं क्विकली। यूएस मार्केट नैस्डैक फ्राइडे को हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी देखे तो सभी यूरोपियन मार्केट भी हरे निशान में बंद हुए थे। और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी, जापानीज इंडेक्स निक्केई, चाइना मार्केट, सभी एशियाई मार्केट हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में एक पुल बैक दिखाई दे रहा है, पॉजिटिवनेस देखने को मिल रहा है। देखते हैं आज निफ्टी इंडेक्स में क्या हो सकता है। डाउ फ्यूचर 136 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट में और शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। लास्ट वीक का ये जो कैंडलस्टिक है, यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडलस्टिक बना हुआ है। डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर टाइप जैसा कैंडलस्टिक आता है तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से एक बाउंस बैक, एक पुल बैक देखने को मिले। हालांकि यहाँ पर अभी 50 ईएमए का ये जो ब्लू लाइन है, ये अराउंड 11,200 के पास है, ये ऊपर में हर्डल का काम कर सकता है, यानी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और नीचे ये 100 ईएमए जो है, ये अराउंड 10,770 के पास है, जो कि सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके प्रीवियस वीक हमने देखा है एग्जैक्ट यहाँ से ही सपोर्ट टेस्ट करके ये बाउंस बैक दिखा है, यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अभी लास्ट वीक का भी ये कैंडल अगर देखें तो यहाँ पर बुल्स का स्ट्रेंथ बेयर्स से काफी ज्यादा है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो टेल छोड़ दिया है, यानी यहाँ पर जो बॉटम क्रिएट करने की कोशिश की थी बेयर्स ने, ये नाकामयाब रही और ऊपर बुल्स ने यहाँ से पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ऊपर आके निफ्टी इंडेक्स को एज पर वीकली चार्ट ऊपर आके क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर बुल्स का लास्ट 2 वीक से बुल्स का स्ट्रेंथ बेयर से ज्यादा है, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऊपर में ये 11,200 को अगर ये ब्रेक करता है तो इसके ऊपर अगर एक कोई डिसीजिव मूव आती है तो हमें फिर से यहाँ से अपसाइड मूव आने की यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद यहाँ पर बढ़ सकती है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो इस समय। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में यहाँ पर हमने काफी बुलिश सिग्नल्स देखे। ये जो हैमर कैंडलस्टिक बना है 5 अगस्त, इसके बाद हमने 6 अगस्त को पिवट बार रिवर्सल का ये बार चार्ट में देखा हमने कि इसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई लो और क्लोज से ऊपर है। और जब भी डाउन ट्रेंड में ऐसा ये पैटर्न आता है तो यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलता है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ से तकरीबन 400 पॉइंट्स, ये जो बॉटम बना था, यहाँ से 400 पॉइंट्स का यहाँ से अप मूव देखा और सडन एक ही दिन में 13 अगस्त को इसने 200 पॉइंट्स की यहाँ से गिरावट दिखा दी। लेकिन अभी ये स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक आने के बावजूद यहाँ से हमें अभी 2 दिन हो गए, हमें यहाँ पर बेयरिश कैंडलस्टिक नहीं दिखाई दी। सेकेंड डे ये जो फॉर्मेशन हुआ था बुलिश कैंडल का, ये बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, तो ये भी एक बुलिश साइन है। और उसके बाद अभी ये फ्राइडे का ये जो कैंडलस्टिक बना, ये ड्रैगनफ्लाई दोजी जैसा है। हालांकि ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक का हाई और लो है, अभी भी ये ब्रेक नहीं हुआ, यानी इसका ये जो इम्पैक्ट है बेयरिश कैंडलस्टिक का, ये अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट रहेगा। जब तक ये इसके हाई को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ से ये डाउन साइड का ये जो बेयरिश कैंडलस्टिक का यहाँ पर प्रभाव है, वो अभी भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है
और ऊपर में एज पर डेली चार्ट ये 20 ईएमए जहां पर तीन दिन पहले इसने रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टुवर्ड्स साउथ की तरफ मुंह दिखाया था, तो 20 ईएमए अराउंड 11,150 के पास आ रहा है। इसके ऊपर इसे एज पर डेली चार्ट इस रेजिस्टेंस को, इस हर्डल को इसे पार करना होगा, तो हमें यहाँ से अपसाइड मूव का एक कंफर्मेशन डेली चार्ट में मिल सकता है। और नीचे अगर ये इस बियरिश कैंडलस्टिक का लो यानी 10,900 को ब्रेक करता है तो प्रीवियस जहां पर इसने बॉटम बना के एक अपसाइड मूव दिखाया था 10,770 के पास, तो यहां से फिर से एक बार ये लेवल को सपोर्ट टेस्ट करने ये निफ्टी इंडेक्स यहां तक मूव कर सकता है। तो ये है निफ्टी का डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स होंगे ये देखते हैं। तो अभी यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है एज पर डेली चार्ट हमने देखा, तो अगर यहाँ से अपसाइड मूव भी आता है तो फर्स्ट हर्डल जो है यहाँ पर ये 100 ईएमए का ये फर्स्ट हर्डल होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लास्ट फ्राइडे को जहाँ से ये टर्न हुआ था, जो जहाँ पर इसने हाई लगाया था उसी के पास इसका 14 अगस्त का भी हाई है। तो यानी ये अगर फ्राइडे का ये जो हाई अगर ब्रेक करता है, ये हाई को अगर ब्रेक करता है 11,069 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा क्विकली टारगेट होगा। ये जो 100 ईएमए का लाइन है ये हमारा फर्स्ट टारगेट, इमीडिएट एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा अराउंड 11,086, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,103, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, 20 ईएमए है, 50 ईएमए है, उसके बाद पिवट पॉइंट का ये भी लेवल है। तो इन लेवल को ब्रेक करने दीजिए कंफर्टेबली, इन सबको ब्रेक करने दीजिए टुवर्ड साउथ की तरफ, यानी 11,012 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 10,991, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का जो S1 का लेवल है 10,958, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये था आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।